लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आज हम आपको एक ऐसी जोड़ी के बारे में बताने वाले हैं जिनके प्यार के चर्चे तो काफी ज्यादा हुए थे, लेकिन उनका प्यार शादी में नहीं बंध सका था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रवि शास्त्री और अमृता सिंह के रिश्ते के बारे में। उस दौरान रवि की फीमेल फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा थी और वे शादी से पहले अमृता के साथ रिलेशनशिप में थे। अमृता और रवि शास्त्री के अफेयर उस समय सनसनी बना जब इन दोनों ने एक मैगजीन के लिए साथ में फोटोशूट कराया। उस दौरान ये भी अफवाह उड़ाई गई थी कि रवि और अमृता ने चुपके सगाई कर ली है। यहाँ तक कि यह भी बताया जाने लग गया था कि दोनों न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में साथ में दिखे थे, पर एक बार तो रवि ने अमृता को एक रिंग भी पहनाई थी। पर कुछ समय बाद रवि ने एक इंटरव्यू के दौरान एक बयान दिया था जिसको सुनकर हर कोई हैरान हो गया था। रवि ने कहा था कि मैं एक फिल्मी पत्नी नहीं चाहता, मैं एक ऐसी पत्नी चाहता हूं जिसकी पहली प्राथमिकता घर हो। रवि के इस बयान ने बाद अमृता ने भी कहा था कि मैं इस समय अपने करियर में व्यस्त हूं और इसे ऊंचाई देना चाहती हूं, लेकिन कुछ सालों बाद मैं एक फुल टाइम वाइफ और मां बनने के लिए तैयार हो जाऊंगी। दोनों के अलग अलग स्टेटमेंट देने के बाद मनोवेन का रिश्ता खत्म सा हो गया था, जिसके बाद में अमृता ने खुद से 10 साल छोटे बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान से शादी की थी, लेकिन सैफ से भी इनका रिश्ता जिंदगी भर नहीं चल पाया और इनका तलाक हो गया। वैसे बता दे कि रवि ने भी साल 1990 में रितु सिंह के साथ शादी के बंधन में बंध गए थे।